हेलो जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो रिव्यू वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिव्यू वीडियो क्या होगी। दोस्तों आज से हमारे चैनल पर हम एक रिव्यू सीरीज़ चालू करने वाले हैं। रिव्यू सीरीज़ में हम क्या बताने वाले हैं? रिव्यू सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि हम साइट पर जाएंगे, साइट पर हमने क्या काम किया, कारपेंटर ने कैसा काम किया, क्या क्या काम चल रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे ये लेमिनेट देखो, मतलब ये टीवी कैबिनेट देखोगे, तो टीवी कैबिनेट में जो कारपेंटर है उसने टीवी कैबिनेट को कैसे बनाया, टीवी कैबिनेट के अंदर उसने कौन सी लेमिनेट को यूज़ किया, कौन कौन सी प्लाईवुड का उसने यूज़ किया, ठीक है। तो हम ये रिव्यू के अंदर ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो रहती है ना, छोटी मोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है वो हमें पता चलेगी और आपको भी पता चलेगी। जैसे कि डोर्स का भी हम रिव्यू करेंगे आज की इस वीडियो में कि भैया ये डोर्स है इसके ऊपर हमने कौन सी लेमिनेट फिनिश की, जो लेमिनेट है वो लगाई है, उसके ऊपर हमने डोर हैंडल्स कौन से लगाए, लॉक कौन से लगाए, उसके अंदर हमने जो बोर्ड है वो कौन सा यूज़ किया है, प्लाई कौन सा यूज़ किया है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल वाले बटन को दबा लो यार, ऐसी ही बहुत मज़ेदार सी वीडियो इस चैनल पर आने वाली है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इस टीवी कैबिनेट के बारे में बताने वाला हूँ। इस तरीके का कोई हमने इस टीवी कैबिनेट को इस तरीके की हमने डिज़ाइन में बनाया है। इसके ऊपर हमने इस तरीके की जो लेमिनेट है वो हमने इस्तेमाल की है। लेमिनेट की बात करूँ तो लेमिनेट दोस्तों मैट फिनिश लेमिनेट है। दोस्तों मैं पास से भी आपको बताऊँगा कि कौन सी फिनिश है, आपको और आइडिया हो जाएगा। तो मैट फिनिश लेमिनेट हमने इस्तेमाल किया है। इस तरीके के हमने दो कलर का कॉम्बिनेशन के हमने इस्तेमाल किया है, वाइट कलर का कॉम्बिनेशन और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन के साथ हमने इस टीवी कैबिनेट को बनाया है। इस टीवी कैबिनेट को बनाने में हमने प्लाईवुड का भी इस्तेमाल किया है। प्लाईवुड हमने 2 mm की, मतलब दो टाइप की थिकनेस वाली प्लाईवुड का हमने इस्तेमाल किया है। पहली जो प्लाईवुड है वो 12 mm की प्लाईवुड हमने इसमें लगाई है, दूसरी 18 mm की भी हमने इसमें जो प्लाई है वो यूज़ करी है, और कई कई जगहों पर हमने 10 mm की भी इसमें प्लाईवुड यूज़ करी है। तो दोस्तों इस तरीके का आप टीवी कैबिनेट देख सकते हैं, इस तरीके का हमने यहाँ पर डिज़ाइन करा है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आखिरकार ये जो टीवी कैबिनेट है ये बना कैसे, बनाया कैसे। हाँ आप सभी को पता है हमारे चैनल पर आप सभी व्यूअर्स है, आधे तो कारपेंटर भी है, लेकिन आधी ऐसी हमारी ऑडियंस ऐसी है जो नॉलेज के लिए भी आती है, मतलब जो अपने जिनके घर पर इंटीरियर्स का काम चल रहा है, जो नॉलेज के लिए हमारी वीडियोज़ देखती है। तो हमारे जो चैनल पर दोनों टाइप्स की ऑडियंस है, एक कारपेंटर ऑडियंस वाली है जो ऐसे काम करती है इंटीरियर्स का, और दूसरी ऑडियंस ऐसी है जो ऐसा काम अपने घर पर करवाना चाहती है। तो हम दोनों की तरफ से बोलते हैं, मतलब एक तरफ से समझ सकते हैं, ताकि दोनों ऑडियंस को हमारी नॉलेज मिल सके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये बनाया कैसे, डिज़ाइन कैसे किया है। कुछ नहीं, हमने सिंपली एक प्लाईवुड का बेस बना दिया है। यहाँ पर ये पूरी कुछ नहीं एक प्लाईवुड है, ठीक है। आप ये जो भी देख रहे हो ये प्लाईवुड है, ये भी आप प्लाईवुड है, ये भी प्लाईवुड है, ये भी प्लाईवुड है। इसके ऊपर हमने 12 mm के प्लाईवुड का इस्तेमाल किया है। फिर कुछ नहीं, ये प्लाईवुड से इस तरह का हमने शेप बना लिया है। शेप को तैयार करने के बाद हमने कुछ नहीं, दो कॉम्बिनेशन वाली शीट लिए, एक तो वाइट वाली शीट लिए माइका की, सनमाइका की, एक दूसरी ब्राउन कलर की ये वाली शीट लिए। उसके ऊपर हमने शीट की इस तरीके से कटिंग करके इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। जैसे कि ये इतना पोर्शन हमने सनमाइका का कट किया है, उसको चिपकाया है। फिर इतना पोर्शन अपने सनमाइका का कट किया है, वो चिपकाया है। फिर इतना पोर्शन हमने सनमाइका का कट किया है, वो चिपकाया है। तो हमने सनमाइकों को काट काट के इस तरीके की यहाँ पर डिज़ाइन बना दी है। अब दोस्तों एक और बार इसे देख लीजिए आप पूरा। जैसे कि हमने नीचे इस तरीके से शेल्फ हमने बना दिए ताकि कुछ सामान यहाँ पर रख सके, और ये बीच में जो आप देख रहे हैं ना, ये बीच में ये आप जो देख रहे हैं ये कुछ और नहीं है बल्कि बीम है, ठीक है। ये कॉलम है, ठीक है, इस जो खड़ा वाला कॉलम रहता है ना, ये कॉलम है। तो हमने इस कॉलम के ऊपर भी यहाँ पर जो प्लाईवुड लगाकर इस तरीके की डिज़ाइन हमने बना दी है ताकि वो कॉलम हमें अलग सा नहीं दिख सके। और इसके बाद हमने इस तरीके से शेल्फ यहाँ पर हमने डिज़ाइन किए हैं ताकि कुछ सामान हम यहाँ पर रख सके। और इसके बाद हमारे पास ये जो स्विच बोर्ड वाला हमारे पास जगह नहीं थी, तो हमने यहाँ पर ही स्विच बोर्ड का एक कनेक्शन दे दिया है यहाँ पर। और दोस्तों लेमिनेट की मैं बात करूँ तो जो लेमिनेट है वो गैलेक्सी डिज़ाइन की लेमिनेट है, मतलब मैट फिनिश के अंदर गैलेक्सी डिज़ाइन की ये जो लेमिनेट है ये काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चलती है।
हालांकि सबका जो पसंद है वो अलग अलग होता है। और ये जो लेमिनेट है ये मेट फिनिश लेमिनेट है। मेट फिनिश लेमिनेट के बारे में मैंने मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाई है कि मेट फिनिश लेमिनेट क्या होती है, ग्लोसी फिनिश लेमिनेट क्या होती है, लेमिनेट की कौन कौन सी फिनिश है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और एक फ़ायदा बताऊं मेट फिनिश लेमिनेट का कि इसमें कभी भी हमें स्क्रेचेस देखने को नहीं मिलते। अगर इसी की जगह हम ग्लोसी फिनिश लेमिनेट लगाते हैं तो हमें कुछ थोड़े मोटे छोटे मोटे स्क्रेचेस हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पर मेट फिनिश लेमिनेट का इस्तेमाल किया है तो मेट फिनिश लेमिनेट में हमें किसी भी प्रकार का स्क्रेचेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एक बेनिफिट है मेट फिनिश लेमिनेट। अब चलिए दोस्तों, टीवी कैबिनेट की तो हमने बात कर ली, पर अब हम बात करते हैं डोर्स की। तो डोर्स को सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, डोर्स को हमने पूरा इस तरीके का लुक दिया है। बात करें लेमिनेट की, तो लेमिनेट हमने सेम जो टीवी कैबिनेट में जो लेमिनेट यूज़ करी थी वही हमने लेमिनेट यहाँ डोर्स में यूज़ करी है। बात करते हैं प्लाईवुड की कि प्लाईवुड हमने कौन से थिकनेस की यूज़ करी है, सेम जो मैंने आपको प्लाईवुड बताई थी, एक तो 18 mm की प्लाई लगी है, एक 12 mm की प्लाई लगी है और 10 mm की भी प्लाई यहाँ पर हमने यूज़ करी। बात करते हैं ये जो आपको पेनलिंग दिख रही है, पेनलिंग क्या होती है, पेनलिंग जो डोर की पूरी बॉर्डर दिख रही है आपको, ये जो पूरी बॉर्डर दिख रही है ये होती है पेनलिंग। तो पेनलिंग में हमने 18 mm की जो प्लाईवुड को हमने यूज किया है, इसकी प्राइस सब आखिरी में वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो यहां पर हमने 18 mm की प्लाईवुड को यूज किया है। और बात करें अंदर, तो अंदर हमने 12 mm की प्लाई को यूज़ किया है, जो अंदर एक और लगती है, तो अंदर भी हमने 12 mm की प्लाई को यूज़ किया है। बात करूँ ये बोर्ड की, ये बोर्ड होता है ना, ये बोर्ड होता है, ब्लॉक बोर्ड होता है। तो ब्लॉक बोर्ड की बात करूँ तो ब्लॉक बोर्ड की जो थिकनेस हमने ली है 25 mm का ब्लॉक बोर्ड हमने यूज़ किया है। ब्लॉक बोर्ड कौन सा, ब्लैक कोबरा ब्रांड का हमने ब्लॉक बोर्ड यूज़ किया है। दोस्तों अभी आपने जो गेट देखा था वो ये वाला गेट देखा था, इसके बाद हमारा ये जो टीवी कैबिनेट है वो आ जाता है, इसके बाद हमारा यहाँ पर जो है ये किचन है, ये किचन का गेट यहाँ पर सेम गेट हमने दिया है, यहाँ पर ये कैबिनेट आ गया, ये फिर उसके बाद उधर जो है लेट बाथ का जो गेट है वो इस तरीके का है। इसके बाद हमारी ये एक विंडो आ जाती है जिसके ऊपर हमने शानदार पेनलिंग की है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार पेनलिंग यहाँ पर दिख रही है। तो इस तरीके का हमारी ये जो साइट है वो आपको दिखती है। मैं और पीछे से दिखाता हूँ, पूरा व्यू आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके का व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सोफ़ा सेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सोफ़ा सेट हमने इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर लॉक की, तो हमने यहाँ पर एक लॉक कनेक्शन भी दे रखा है और यहाँ पर एक हैंड्राप का सेट भी हमने लगाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा हैंड्राप है और यहाँ पर ये देखिए लॉक कनेक्शन भी हमने यहाँ पर दे रखा है। और दोस्तों इस बात करें इस डोर के बोर्ड की, तो आप इस डोर के बोर्ड की देख सकते हैं यहाँ पर हमने 25 mm का थिकनेस वाला बोर्ड लिया है। कौन सा ब्रांड का, ब्लैक कोबरा ब्रांड का हमने ये जो बोर्ड है हमने लिया है। अब दोस्तों हमने टीवी कैबिनेट की बात कर ली, हमने डोर्स की भी बात कर ली, और टीवी कैबिनेट डोर्स को बनाने में कौन कौन से सामान, कौन कौन से लेमिनेट हमने इसके अंदर यूज़ किए, कैसे हमने इनको बनाया, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अब जितना आपको आइडिया हो सकता है वो आपको मिल गया। बात करते हैं हम यहाँ पर सोफ़ा सेट की, हम बात करते हैं कि सोफ़ा सेट को हमने किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया है, किस तरीके से हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनवाया है। तो आप इस सबसे पहले तो आप सोफा सेट को देखिए कि कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि सोफा सेट यहां पर कैसा लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूं कि सोफा सेट हमने किस तरीके से डिजाइन किया है। अब बात करें सोफा सेट की, तो सोफा सेट भी हमने सेम वो प्लाईवुड से बनाई है। 18 mm की प्लाई, 12 mm की प्लाई, 10 mm की प्लाई हमने यूज की है। जहां पर 18 mm की प्लाई यूज करना होता है वहां पर हमने 18 mm की करी, जहां पर 12 mm की यूज होता है वहां पर 12 mm की करी, और जहां पर हमने 10 mm की यूज करना पड़ा है वहां पर हमने 10 mm की यूज करी। हमें ये 10 mm की यूज़ करते हैं ज़्यादा, कि ज़्यादा हमें ज़्यादा जहाँ पर वज़न देना होता है वहाँ पर हम 18 mm की करते हैं, जहाँ पर 10 mm से काम चल जाता है तो वहाँ पर हम 10 mm की यूज़ कर लेते हैं। बात करें सोफ़ा को हमने किस तरीके से बनाया, तो यहाँ पर कुछ नहीं, हमने 18 mm की प्लाई ली, उसको काटा, उसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म फिट कर दिया, तो यहाँ पर हमारा ये एक सेट कम्प्लीट हुआ। इस तरीके का इस सेट का हमारा जो दूसरा पोर्शन है, जो ग्राउंड से टच होता है, उस पोर्शन को भी हमने इस तरीके से बनाया, उसमें भी एक 18 mm की प्लाई ली, उसके बाद हमने दोनों तरफ उसमें प्लाई ली, दोनों तरफ के बाद उसमें भी फॉर्म फिट कर दिया है। ठीक है, फॉर्म फिट कैसे करा है, यहाँ पर हमने ये छोटी छोटी पिंस आती है, तो छोटी छोटी पिंस को फॉर्म और प्लाईवुड से जोड़ देती है, उस पिंस को हमने इन दोनों से अटैच कर रखा है।
इसके बाद दोस्तों ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये अलग सोफ़ा है, और वो जो पोर्शन देख रहे हो आप वो एक अलग पोर्शन हमने बनाया है। टोटल हम दोनों को मिला है तो एल साइज़ का सोफ़ा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में तो मैंने सोफ़ा को जो सोफ़ा सेट बनवाया है मैंने ऊपर ऊपर से नॉलेज दे दी है। आने वाली कुछ वीडियोस में आपको मैं ट्राई करूंगा कि सोफ़ा सेट किस तरीके से बनाया जाता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। और दोस्तों हालांकि ये रिव्यू वीडियो हमने क्यों बनाया, इसका मकसद क्या है रिव्यू वीडियो हमने क्यों उसके अंदर हम क्या करते हैं ये आपको बताता हूं। रिव्यू वीडियो में हम करते हैं जो भी कारपेंटर ने काम किया है, जो भी इंटीरियर्स का काम हुआ है उसको रिव्यू करते हैं, आपको बताएंगे कि वो उसमें कौन सा काम किया है, कौन कौन से सामान उसमें यूज़ किए गए, कौन कौन से लेमिनेट उसके अंदर यूज़ किए गए, मतलब वो किस तरीके से बना है वो हम आपको इस रिव्यू वीडियो में बताते हैं। तो रिव्यू वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो रिव्यू वीडियोज़ है ना, कोई भी यूट्यूब पे कोई रिव्यू वीडियो आपको नहीं देता होगा। जैसा कि कंस्ट्रक्शन साइट का काम चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन साइट पर रिव्यू कैसे होता है, रिव्यू करते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट का, जो कारपेंटर है वो कैसा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है नहीं गलत काम कर रहा है। तो इस रिव्यू वीडियो में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी भी आपको हम देना, हमारा मकसद यही है। अब बात करते हैं पैनलिंग की। विंडो के ऊपर भी हमने यहाँ पर पैनलिंग करवा रखी है, विंडो के ऊपर हमने पैनलिंग करते हैं पर एक प्लाईवुड का यूज़ किया है, वो 18 mm वाली प्लाई का यूज़ किया है। तो यहाँ पर टोटल आपको जो बॉर्डर दिख रही है विंडो के ऊपर यही होती है पैनलिंग, और यहाँ पर हमने 18 mm का प्लाईवुड का यूज़ किया है। इसके ऊपर भी हमने वो सेम लेमिनेट ही यहाँ पर यूज़ की है। अब दोस्तों मैंने लगभग आपको सभी चीज़ के बारे में बता दिया इस साइट में, कि मैंने टीवी कैबिनेट के बारे में बता दिया है, डोर्स के बारे में बता दिया है, पैनलिंग के बारे में बता दिया है, सोफ़ा के बारे में बता दिया है, सोफ़ा के डिज़ाइन के बारे में बता दिया है। और मैं और चेक कर लेता हूँ कि आपको कौन कौन सी पैनलिंग बता दी है, पैनलिंग भी बता दी है, लेमिनेट के बारे में बता दिया हमने, टीवी कैबिनेट लेमिनेट डिज़ाइन के बारे में बता दिया है, किस तरीके से बना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। हाँ, कॉस्ट के बारे में नहीं बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉस्ट के बारे में तो हम भूल ही गया। तो अब जानते हैं ये टीवी कैबिनेट ये सभी डोर्स को बनाने में हमारी क्या कॉस्ट आई है, कितने में सामान आए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डोर्स की, कि डोर्स की हमारी क्या कॉस्ट पेटी है। तो डोर में क्या लगा, सबसे पहले तो बोर्ड का कॉस्ट नापते हैं, तो 3000 का ब्लैक कोबरा का बोर्ड आया हमारा 3000 के बाद। हमारे लेमिनेट का कर लेते हैं, लेमिनेट ये इसमें लेमिनेट दो लेमिनेट यूज़ हुई है, दो लेमिनेट की शीट यूज़ हुई है 8x4 की, तो एक लेमिनेट की शीट हमारी 1500 की पड़ी है हमारी सिटी में। हो सकता है आपकी सिटी में कम भी पड़ सके ज़्यादा भी पड़ सके, लेकिन 1500 रुपये की शीट मॉडरेट होती है, वो मतलब बराबर होती है, कोई ना ज़्यादा घाटे में होती है ना ज़्यादा हैवी वाली शीट होती है। तो 1500 × 2 शीट लगी है, तो 3000 की हमारा टोटल हो गया अभी तक 6000 लेमिनेट और बोर्ड को मिला के 6000 हो गया। 6000 के बाद 1000 का हैंड ड्रॉप, 1000 का हैंड ड्रॉप 7000 के बाद 1500 का जो लॉक पड़ा है हमारा, तो 7000 8000 8500। उसके बाद हम प्लाई की नाप लेते हैं कि चौकट बनाने में, इस प्लाईवुड डोर फ्रेम को बनाने में भी हमारी प्लाईवुड लगी है, तो प्लाईवुड एक प्लाईवुड तो नहीं लगी है लेकिन आधी लगी है, तो आधी से थोड़ी और ज़्यादा लगी होगी, तो उसको मान लेते हैं अपन 1000 या फिर 1500, ठीक है। तो हमारा टोटल हम पूरा गुना भाग करके गणित बिठाए तो हमारा जो डोर होता है पूरा एक कम्प्लीट डोर वो 9500 से लेके 10000 तक का पूरा कम्प्लीट डोर बना है। जी हाँ दोस्तों, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बजट बताया था कि भैया एक प्लाईवुड डोर बनाने में, लेमिनेट का डोर बनाने में, कारपेंटर मेड डोर बनाने में एक एवरेज रुपए कितने लगते हैं, प्राइस रेंज कितनी पड़ती है। तो उसमें भी मैंने आपको यही बताया कि 8000 9000 से लेकर 10000 मिनिमम पड़ ही जाते हैं, और इसके बाद और भी ऊपर जा सकता है 10000 से 11000 12000 13000 15000 तक का भी अपना जो कारपेंटर मेड डोर है वो पड़ सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया है, उसमें किस टाइप का बोर्ड यूज़ किया है, किस टाइप की लेमिनेट उसमें यूज़ किए, लॉक किस टाइप का यूज़ किया है। हैवी सामान यूज़ करोगे तो आपका बजट भी हैवी बनेगा ही सही ऑफकोर्स, और आप कम क्वालिटी वाले अगर आप मटेरियल लगाओगे तो उसका बजट ऑफकोर्स कम पड़ेगा, बट एक एवरेज मॉडरेट अच्छा बहुत ही अच्छा मजबूत डोर 10000 के अंदर आराम से बन जाता है, ठीक है। डोर्स की बात कर ली, इसके बाद हमने ये टीवी कैबिनेट की भी बात कर लेते हैं। तो टीवी कैबिनेट में कुछ नहीं आ रहा, एक लेमिनेट लगी है, ठीक है, दो लेमिनेट लगी है, दो प्लाईवुड लगी है, ठीक है, हिसाब बराबर, दो लेमिनेट दो प्लाईवुड, टोटल हमारा जो खर्चा आता है वो 4000 से 5000 के अंदर ये टीवी कैबिनेट बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। और किसकी बात करें, पैनलिंग की बात करें, तो पैनलिंग में ज़्यादा खर्चा कुछ आता नहीं है। हाँ, जो कारपेंटर होता है वो अपना स्क्वायर फीट नापता है, ठीक है,
है, जैसे कि लेंथ इनटू ब्रीथ करता है तो वो एरिया के हिसाब से अपना 60-70 रुपये स्क्वायर फीट अपना जो वो बनाने का जो वो लेता है उसका पेमेंट वो लेता है, ठीक है। और जो कारपेंटर होता है वो कोई कारपेंटर जो मटेरियल आता है आप दुकान से जो सामान लाते हो उसके परसेंटेज से भी लेता है, या फिर कोई मतलब कोई लेता है कि एक डोर भैया मैं इतने में बनाऊंगा या फिर एक कैबिनेट में इतने में बनाऊंगा, तो पहले से ही उसकी बात हो जाती है। तो परसेंटेज का भी आज कारपेंटर काफ़ी चल रहा है और हमने भी परसेंटेज के हिसाब से ही लिया था। 25% से लेकर 30% तक का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, हमने ये जो पूरा काम दिया वो 30% ऑफ द मटेरियल दिया है। 30% ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या है कि भैया आपके सब सामान को बनाने में अगर आपका 1,00,000 का सामान आया तो 30% आपको कारपेंटर को देने पड़ेंगे, मतलब 1,00,000 का 30% 30,000, तो 30,000 उसमें आपको कारपेंटर को देने पड़ेंगे ये सभी चीज बनाने में। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने दुनिया भर की जितनी भी नॉलेज मैं आपको दे सकता हूँ इस तरफ से इस साइड में या टीवी पैनल से लेकर डोर से रहकर यहाँ पर क्या बजट होगा क्या सामान हो गई वो सभी जानकारी मैंने आपको दी है। तो ये जो रिव्यू सीरीज़ है ये रिव्यू सीरीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ऐसे और दूसरी साइट्स पर ले जाऊँगा और नई नई साइट्स पर ले जाऊँगा जहाँ पर काम चल रहा होगा वहाँ पर भी आपको ले जाऊँगा और वहाँ की साइट्स को रिव्यू करके बताऊँगा कि वहाँ पर किस टाइप का काम चल रहा है, कौन कौन सी छोटी मोटी गलतियाँ हैं, कौन कौन से आजकल डिज़ाइन चल रही है, ये सभी बातें उस रिव्यू वीडियोस में आपको बताऊंगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, आपके जो भी सवाल हो जो भी डाउट्स हो इस प्लाईवुड से रिलेटेड फर्नीचर से रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो लाल बटन सब्सक्राइब का दबाकर हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।